हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिलेक्शन मेंटोर पे। मैं हिमांशु उपाध्याय आप लोगों का स्वागत करता हूँ। देखिए, आज हमें स्टार्ट करना है कंप्यूटर के कुछ एब्रीवेशंस के बारे में। लास्ट क्लास में हमने इंटरनेट ख़त्म किया था और आज हम स्टार्ट करेंगे एब्रीवेशंस। एब्रीवेशंस मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि एग्ज़ाम में 1 से 2 नंबर के एब्रीवेशन आपको देखने को मिल जाते हैं। 1-2 क्वेश्चन एब्रीवेशन के ज़रूर आते हैं, तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको ज़रा कवर करना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो एब्रीवेशंस ज़्यादा नहीं है हमारे पास, जो इम्पॉर्टेंट हैं केवल हम वही एब्रीवेशन करेंगे। इसमें केवल इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशंस ही दिए हुए हैं, मैंने कुछ चेक भी किए थे, तो ज़्यादातर एब्रीवेशंस में जो दिए हुए हैं वो ज़्यादातर इम्पॉर्टेंट ही हैं हमारे पास। चलिए फर्स्ट एब्रीवेशन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एब्रीवेशन हमें दिया हुआ है ADC। ADC की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर। अगर आप चाहें तो ये काम कौन भी करता है एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर का, तो एनालॉग डिजिटल कन्वर्टर का काम हमारे पास में डीमोडुलेटर करता है, या आप बोल सकते हैं मॉडेम करता है। इसको छोड़ दो, आप क्या बोल सकते हैं, मॉडेम करता है। मॉडेम क्या काम करेगा, मॉड्यूलेट भी करेगा और डीमोडुलेट भी करेगा। तो मॉडेम का बेसिक काम क्या होता है, मॉडेम का बेसिक काम होता है आपके पास में एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करना और डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो मॉडेम हमारे पास में ये काम करता है। अच्छा, एनालॉग से डिजिटल फॉर्म में कन्वर्जन जब हो रहा है तो उसको हमने क्या बोल दिया, ADC। ठीक है, अगर डिजिटल से एनालॉग में कन्वर्ट होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, DAC। तो एक और यहाँ पे होता है DAC, जिसको हम बोलते हैं डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्जन। ठीक है, तो ये दोनों ही याद रख लेना, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, दोनों ही सेम है। आगे आते हैं AI। AI आई थिंक मेरे हिसाब से सबको पता होगा, AI के बारे में कुछ भी नया नहीं है। आज के टाइम में AI बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है और इन फ्यूचर इसका यूज़ बहुत होने वाला है, अभी भी हो रहा है। आपके स्मार्टफोन्स जितने भी आ रहे हैं उन सब में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो रहा है। इसका एक छोटा सा अगर मैं एग्जाम्पल बताऊँ आपको, तो अगर आपने एलेक्सा का नाम सुना हो, जो कि गूगल की एक डिवाइस है एलेक्सा, वो क्या है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, कि जो भी हम बोल रहे हैं उसको वो कैप्चर करके उसको रिस्पॉन्ड कर रही है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, थर्ड ALGOL, ये जो है ये भी एक तरह की हमारे पास में लैंग्वेज होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज क्या होती है, जिसमें हम एल्गोरिथम्स पे काम करते हैं। ठीक है, बेसिकली जितनी भी एल्गोरिथम हम बनाएंगे उन सारी एल्गोरिथम का एक कॉम्बिनेशन या एक कंप्लीट जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ALGOL, एलगोल। क्या बोलते हैं उसको, हम एलगोल बोलते हैं, मतलब एल्गोरिथमिक लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, ALU मेरे हिसाब से सबको पता होगा, ALU क्या होता है, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, या इसको आप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट भी कहते हैं। आपको पता ही है ये किसके अंदर मिलता है, ये CPU के अंदर पाया जाता है। ठीक है, काम क्या होता है इसका, मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करना इसका काम होता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होगा, तो मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो भी होंगे उनको परफॉर्म करने का काम कौन करेगा, ALU करेगा। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ASCII, ये मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास में भी बताया था, बीच में किसी एक क्लास में मैंने आपको ये बताया था कि ये अमेरिकन स्टैंडर्ड है। ठीक है, कोडिंग का, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड सबसे पहले तो ये याद रख लो, जब भी ASCII आता है तो अमेरिकन स्टैंडर्ड सबसे पहले याद रख लो, अमेरिकन स्टैंडर्ड। फिर क्या है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड का, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन को इंटरचेंज करने के कोड्स हैं ये। जैसे इन्फॉर्मेशन किससे रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड यदि कोई इन्फॉर्मेशन है, अल्फाबेट से रिलेटेड यदि कोई इन्फॉर्मेशन है, तो उनको इंटरचेंज करने के काम कौन आता है, ASCII। ठीक है, ATM मेरे हिसाब से आप सबको पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये क्यों पढ़ रहे हैं, है तो बैंकिंग का पार्ट लेकिन पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेटेड ही है। ठीक है, ऑटोमेटिकली ये जो भी डिवाइस है ये सारे की सारी कंप्यूटर से रिलेटेड होती हैं। नेक्स्ट BARC, द भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, मेरे हिसाब से ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है भी नहीं, आगे चलते हैं। बेसिक थोड़ा सा है हमारे पास में, क्योंकि बेसिक की फुल फॉर्म होती है बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। ठीक है, वो बिगनर्स जिनको कोई भी आइडिया नहीं है, ठीक है, तो उनके लिए बेसिक का इस्तेमाल किया जाता है। ये बेसिक है क्या, बेसिक एक लैंग्वेज है। ठीक है, बेसिक नॉर्मल बेसिक वर्ड नहीं है, बेसिक क्या है, एक लैंग्वेज है।
ठीक है, जिसका इस्तेमाल कोडिंग के लिए किया जाता है। ठीक है, इसलिए इसको नाम क्या दिया गया कि जो स्टार्टिंग की सबसे स्टार्टिंग होती है उसको बेसिक के थ्रू स्टार्ट करा जाता है, इसलिए इसको क्या दिया गया, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड इसका नाम दिया गया। ठीक है, बेसिक एक तरह की लैंग्वेज है। मैं जब लैंग्वेज वाला चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा तो ये सब बताऊंगा, फोर्ट्रान, ठीक है, बेसिक, पास्कल, ठीक है, उसके अलावा सी, सी शार्प, ठीक है, ये सारी की सारी क्या है होती है हमारे पास में, जावा, ओरेकल, ये सब लैंग्वेजेस होती हैं हमारे पास में। कुछ डेटाबेस होते हैं जैसे ओरेकल डेटाबेस है, ठीक है, ये डीबीएमएस का पार्ट होता है। आगे चलते हैं, बायोस क्या होता है। देखो, बायोस बूटिंग के काम आता है। जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो ना, देखो मैंने आपको क्या कहा था, जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करते समय सबसे पहले एक्टिव कौन होती है, हमारी रैम, क्योंकि प्रोग्रामिंग जो होती है वो उसी के अंदर परमानेंट स्टोर होती है। ठीक है, सॉरी, रोम कौन होगी सबसे पहले स्टार्ट, रोम, इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है उसकी प्रोग्रामिंग इसके अंदर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट होती है रोम, काम करती है, रोम जो होती है वो क्या काम करेगी, सीमॉस के ऊपर काम करेगी। ठीक है, सीमॉस के ऊपर काम करेगी, और सीमॉस क्या करता है, सीमॉस बायोस चेक करने का काम करेगा। मतलब क्या करेगा, बायोस को क्या चेक करेगा, बायोस क्या होता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को चेक करने का काम करेगा, कि मतलब उस डिवाइस से, कंप्यूटर से जुड़े हुए जितने भी इनपुट आउटपुट हैं क्या वो प्रॉपरली कनेक्टेड हैं, क्या वो काम कर रहे हैं, तो ये क्या चेक करने का काम कौन करेगा, सीमॉस। और सीमॉस क्या करेगा, BIOS का काम करेगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स को चेक करने का काम करेगा। और इस पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, तो इस कंप्लीट प्रोसेस को हम कहते हैं बूट। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। मतलब कंप्यूटर हर बार जब भी स्टार्ट होगा तो वो बूट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। बायोस का मतलब क्या हो गया, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमें दिया हुआ है BSNL, आपको पता होगा, भारत संचार निगम लिमिटेड, इसमें मेरे हिसाब से कुछ बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो क्या हो गया, BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड। एक MTNL होता है, MTNL क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन संचार निगम लिमिटेड। एक होता है VSNL, VSNL क्या होता है, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ये तीनों आपको पता होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई सा भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कैड। देखो कैड को कैड और कैम जो होता है ये इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, ऐसी इंडस्ट्रीज जो प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज होती हैं उसके अंदर काम आते हैं कैड और कैम। क्या काम होता है इनका, ऑटोमेटिक जितनी भी डिवाइसेज होती हैं, जैसे ऑटोमेशन जितना भी होता है, जो भी पैकिंग होती है किसी रैपर की, या कोल्ड ड्रिंक बनती है, कोल्ड ड्रिंक की जो पैकिंग होती है, किसी भी चीज़ की जो पैकिंग होती है वो ऑटोमेटिकली होती है। ठीक है, तो उन मशीनों को कंप्यूटराइज फॉर्म में कंट्रोल किया जाता है कैड और कैम से। तो कैड की फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। मतलब कोई भी कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब हुआ कि आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है या जो भी मशीन है उसकी पूरी डिजाइनिंग कैड के अंदर की जाती है। और कैम क्या करता है, कैम करता है कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। ये किस काम आता है, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को कंट्रोल या प्रोग्राम करने के काम आता है। तो कैड और कैम दोनों इंडस्ट्रीज में यूज आते हैं। CA मतलब कंप्यूटर एडेड हो गया दोनों में, D का मतलब डिजाइन हो गया, M का मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो गया। CD मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत नहीं है, कॉम्पैक्ट डिस्क, और कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड राइट। आपको बताया था रीड ओनली मेमोरी के अंदर केवल आप CD को रीड कर सकते हो और रीड राइट में दोबारा री राइट भी कर सकते हो। कोबोल अगेन एक लैंग्वेज है, आपको पता होना चाहिए, कोबोल अगेन एक लैंग्वेज है। कोबोल की फुल फॉर्म होती है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। मतलब बिजनेस ओरिएंटेड जो भी वर्क होंगे उसके लिए कौन सी लैंग्वेज काम में आती है, कोबोल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो कोबोल क्या है, बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज है। बेसिक क्या है, बेसिक एक बिगनर्स ओरिएंटेड लैंग्वेज है। ठीक है, CPU सबको पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इसका मतलब। CRT होता है कैथोड रे ट्यूब। आपके जो पिक्चर ट्यूब वाले पहले डिस्प्ले आया करते थे या TV आया करते थे, पिक्चर ट्यूब होती थी जिनके अंदर, ठीक है, या मॉनिटर आया करते थे, तो इन जो बड़े बड़े होते थे पीछे से जिनके अंदर एक डब्बा सा निकला रहता था, तो इस तरीके के जो भी होते थे हमारे पास में उनमें कैथोड रे ट्यूब लगी रहती थी, इस तरीके से होते थे वो, देखे ना। तो ये जो होता था ना पोर्शन, ये क्रिस्टल रे ट्यूब मतलब CRT का होता था, उससे आपको यहाँ स्क्रीन दिखाई देती थी। ठीक है, ये पूरी साइंस है, मैं आपको बताता कभी अगर फ्री टाइम होगा तो कभी बताऊंगा ये क्या होता है। CU कंट्रोल यूनिट, CU क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, ये CPU का एक पार्ट है। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना ALU, वैसे ही CPU का एक और पार्ट है CU।
तो ये दोनों सीपीयू के अंदर काउंट होते हैं, ठीक है, कंट्रोल यूनिट। डी रैम क्या होती है, मैंने आपको बताया था डायनेमिक रैम, और एक और रैम बताई थी मैंने, एस रैम, स्टैटिक रैम, ठीक है। चलिए, डीएसी, डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, बताया था ना मैंने आपको, जैसे एडीसी अभी हमने ऊपर पढ़ा था, वैसे डीएसी होता है डिजिटल एनालॉग कन्वर्टर, ये दोनों ही काम मॉडेम करता है, ठीक है। डीबीएमएस अभी बताया, ओरेकल हो गया आपके पास में, हैट की भी कुछ है, रेड हैट, ये भी एक डेटाबेस कंपनी है, ठीक है, ये भी डीबीएमएस पे ही काम करती है। तो डीबीएमएस मतलब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अच्छा, डेटाबेस मैनेजमेंट होता क्या है, देखो जैसे जितनी भी बैंकिंग इंडस्ट्री है, बैंक की जितनी भी इंडस्ट्री चल रही है वो पूरी डेटाबेस पे चल रही है। करोड़ों में आपके पास में क्लाइंट्स हैं बैंक के पास में, करोड़ में क्लाइंट्स हैं बैंक के पास, और उन करोड़ क्लाइंट्स का पूरा डेटा रखना कि भैया उसने जो अकाउंट खुलाया उसके अकाउंट का नंबर क्या है, उस अकाउंट में बैलेंस कितना है, कौन कौन सी उसने स्कीम ले रखी है, ठीक है, कितना पैसा उसने निकाला है, कितना डाला है, हर क्लाइंट की ये चीज मैनेज करना, ये उसका डेटा ही तो है। इसी को तो हम क्या बोलेंगे, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है। तो डीबीएमएस बहुत बड़ी कंपनीज होती हैं, अलग अलग कंपनीज होती हैं जो डेटाबेस मैनेजमेंट का काम करती हैं, ठीक है, थीके? और उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है डीसीएल। डीसीएल मतलब डिजिटल कमांड लैंग्वेज। डिजिटल कमांड लैंग्वेज मतलब वो लैंग्वेज जो कि डिजिटल कमांड लेती है। डिजिटल कमांड मतलब किस फॉर्म में, जीरो और वन की फॉर्म में कमांड लेती है, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम, डिजिटल कमांड लैंग्वेज कहेंगे। आगे आ जाते हैं DFD, तो DFD का मतलब क्या हो गया हमारे पास में, डेटा फ्लो डायग्राम। DFD का मतलब क्या हो गया, डेटा फ्लो डायग्राम। आपने अगर कभी कोडिंग लैंग्वेज देखी हो तो कोडिंग लैंग्वेज में हमेशा डेटा फ्लो बनता है, ठीक है, कि यदि मुझे कोई प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो मैं सबसे पहले START स्टार्ट लिखूंगा सर्कल में, ठीक है, फिर अगर मुझे उस पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो मैं पैरेललोग्राम में उसको लिखता हूँ, ठीक है, फिर अगर मुझे उसे एंड करना है तो वापस मैं सर्कल में इस तरीके से यहाँ पे एंड लिखता हूँ। ये जो होता है ना, इसको डेटा फ्लो कहते हैं, ठीक है। कोई भी कोडिंग लैंग्वेज में डेटा फ्लो होता है, एल्गोरिथम होती है और कोडिंग लैंग्वेज होती है, तीन चीजों से बनी होती है कोई भी लैंग्वेज। तो डीएफडी का मतलब क्या होता है, डीएफडी का मतलब होता है डेटा फ्लो डायग्राम, ठीक है, जो डेटा फ्लो बताता है कि डेटा फ्लो होगा कैसे, कैसे चलेगा। नेक्स्ट है डीपीआई, मेरे हिसाब से सबको पता होगा डीपीआई का मतलब डॉट पर इंच, ठीक है, डॉट पर इंच, ठीक है। और एक होता है एल मतलब लाइन पर मिनट, LPM, लाइन पर मिनट, ये दोनों ही किसके इंडिकेशंस हैं, यस, ये दोनों ही प्रिंटर के इंडिकेशन है। मेरे हिसाब से DRDO आपको बताने की जरूरत है नहीं, बहुत इजी है, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, हमारी देश की सबसे अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में काउंट होती है, जैसे इसरो है वैसे DRDO भी है। DVD आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से, क्या होगा, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या फिर आप इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी बोल सकते हो और वर्सेटाइल भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल बच्चों का है, ये सबको पता होगा। ई कॉमर्स, ये भी सबका होगा, पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, यहाँ पे भी ई आ रहा है मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स। अब ईपी रोम मतलब ये नहीं है इलेक्ट्रॉनिक्स रोम, नहीं, ईपी रोम मतलब, पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रोम, और उस प्रोग्रामिंग को डिलीट कर सके हम तो उसमें क्या जोड़ देते हैं, ई जोड़ देते हैं, मतलब उसको क्या कर सके, इरेजेबल, मतलब इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, उसको क्या बोलते हैं, ईपी रोम कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है EBCDIC। EBCDIC का मतलब हो गया एक्सटेंडेड बाइनरी कोड। ईबीसी मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोड, डीआईसी मतलब डेसिमल इंटरचेंज कोड, ठीक है, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, मतलब एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल, डेसिमल मतलब जो 10 की फॉर्म में रहते हैं, 0 से लेकर 9 तक, इंटरचेंज कोड, इसका मतलब क्या हो गया कि जब हम कन्वर्जन करते हैं तो कन्वर्जन की प्रोसेस, जैसे हमने कोई भी नंबर लिखा 12 लिखा, ठीक है, तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने की प्रोसेस, तो क्या हो गया, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये जो होता है इसको क्या बोला जाता है, EBCDIC, ठीक है, जनरली ये इतना इंपॉर्टेंट हमारे लिए है नहीं। आते हैं EDP क्या होता है, तो EDP होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। EDP मतलब इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, जो कि कंप्यूटर के अंदर होती है, तो कंप्यूटर के अंदर जब भी कोई डेटा प्रोसेस होता है तो उसको क्या ही बोलेंगे हम, उसको हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग बोलेंगे, कि कंप्यूटर के अंदर ही अंदर में इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हो रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास में EDSAC। EDSAC मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर,
ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, एक ऐसा कैलकुलेटर की बात की जा रही है जहां पे इलेक्ट्रॉनिक डिले की बात की जाएगी। ठीक है, किसकी बात की जाएगी? इलेक्ट्रॉनिक डिले की बात जहां की जाएगी उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। ठीक है, तो ये एक टाइप का कैलकुलेटर ही है हमारे पास में, जिसमें डिले प्रोवाइड कराया जाता है कोई भी डेटा को स्टोर कराने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, ये आपको पता ही है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसको क्या बोलेंगे? डबल ई पी रोम, मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर, ठीक है, ये भी एक तरह की फॉर्म है। तो हमारे पास में देख लो बस एक बार, जरूरी नहीं है उसको याद करो, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते हैं। ENIAC क्या होता है? नहीं पूछेगा वो आपसे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, फोर्ट्रान, अगेन एक लैंग्वेज, फोर्ट्रान अगेन एक लैंग्वेज है हमारे पास में। तो फोर्ट्रान मतलब फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, ये अगेन एक हमारे पास में लैंग्वेज होती है। तो फॉर्मूला ट्रांसलेशन लैंग्वेज, FTI में आपको बता चुका हूं, HTTP और FTI दोनों ही URL के हिस्से होते हैं। FTI फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है और HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। ठीक है, दोनों URL के हिस्से होते हैं। हाँ, एक बार मैंने लास्ट क्लास में शायद आपको बताया था URL की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, यूनिवर्सल रिमोट लोकेटर बताया था शायद, है ना? तो उसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, एक बच्चे ने मेरे को करेक्ट भी किया था, थैंक यू फॉर दैट। तो क्या होता है? यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर होता है उसका मतलब। ठीक है, तो उसको थोड़ा सा क्लियर कर लेना। चलिए, GUI आपको पता होना चाहिए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। क्या होता है GUI? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसके बिना आप यूजर मतलब आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर GUI आपके पास में नहीं है तो आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर तो सकते हो लेकिन ग्राफिकल फॉर्म में नहीं। जैसे पहले, सबसे पहले जब कंप्यूटर आया था तो डॉस आया था, तो डॉस के अंदर GUI नहीं था, तो काली स्क्रीन पे सारे काम हुआ करते थे। ठीक है, GUI क्या करता है? आपकी और कंप्यूटर के बीच का जो इंटरफेस है उसे बहुत अच्छा बना देता है ताकि हमें काम करने में भी मजा आता है। तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस GUI को कहा जाता है। HTML में ऑलरेडी बता चुका हूं, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये भी एक तरह की लैंग्वेज ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट IBM, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कई बार एग्जाम में IBM की फुल फॉर्म ऑलरेडी पूछी हुई है। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है, ये कंपनी है लेकिन इसका नाम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। यहां तक क्लियर होगा मेरे हिसाब से, चलिए आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं हमारे पास में ISDN, मैंने आपको बताया था क्या, इंटीग्रेटेड सर्विस डिजिटल नेटवर्क होता है ISDN। जैसे कि मैंने आपको ISP बताया था ना, सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं ये, तो ISDN क्या होती है? ये सर्विस होती है। क्या होती है? इंटीग्रेटेड सर्विसेज डिजिटल नेटवर्क होता है ये एक। ठीक है, ISDN नेट के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। IT मेरे हिसाब से आपको बताने की जरूरत है नहीं, आपको पता होगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। KBPS तो बच्चा बच्चा जानता है, किलो बाइट पर सेकेंड। LAN आपको पता होनी चाहिए, लोकल एरिया नेटवर्क, ये वाला चैप्टर भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, लोकल एरिया नेटवर्क। LAN, वाइड एरिया नेटवर्क मतलब वैन, ठीक है, पैन एरिया नेटवर्क मतलब पैन। ठीक है, तो ये सब मैं आपके लिए लेके आऊंगा, ये तीनों चीजें इंपॉर्टेंट भी हैं। लैन का एरिया क्या होता है, वैन का एरिया क्या होता है, पैन का एरिया क्या होता है, ये सब चीजें हम देखेंगे। ठीक है, तो LAN का मतलब लोकल एरिया नेटवर्क, ये मैं आपको बता चुका हूं। LCD का मतलब क्या होता है? LCD का मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। क्या होता है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है, जिसकी पहले पिक्चर आया करती थी, टीवी वगैरह आया करते हैं जिसके LCD के। ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, LED की फुल फॉर्म क्या होती है? फिर आजकल तो LED टीवी भी आते हैं। LED की फुल फॉर्म क्या होती है? LCD की तो लिक्विड क्रिस्टल क्रिस्टल डिस्प्ले हो गई, LED की होती है जो LED आप घरों में यूज करते हैं, लाइट इमिटिंग डायोड। क्या बोलते हैं इसको? लाइट इमिटिंग डायोड। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं LSI। LSI मतलब लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जनरली हम इंजीनियरिंग में पढ़ते हैं लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है। ठीक है, स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन SSI क्या होता है,
ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन का इनका इस्तेमाल कहाँ होता है, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन का इनका इस्तेमाल होता है जब हम पीसीबी डिजाइन करते हैं, जो भी कंप्यूटर डिजाइनिंग होती है ना, कंप्यूटर का जो मदरबोर्ड बनाया जाता है, तो उसमें इसी तरह के इस इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, उसके बिना आप इतने छोटे मदरबोर्ड पे इतने सारे फीचर्स नहीं डाल सकते। ठीक है, आगे आते हैं। मैन, मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो एक और आ गया, तीन तो हमने पढ़े थे, एक और आ गया मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। एमबी आ मेरे हिसाब से सबको पता है, मेगाबाइट। हाँ एक और चीज मैं आपको बताऊंगा, देखो सबसे पहले होता है बाइट, फिर होता है किलोबाइट। ठीक है, किलोबाइट के बाद कौन आता है, मेगाबाइट। मेगाबाइट के बाद कौन आता है, जीबी, गीगाबाइट। गीगाबाइट के बाद कौन आता है, टेराबाइट। ठीक है, यहां तक की चीजें तो सबको पता है, इसके आगे भी होता है, पीटो बाइट होता है, जीटो बाइट होता है, तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हम टीवी तक ही पहुंचे हैं। ठीक है, तो इसके आगे भी कुछ चीजें होती है जो हमें पता होनी चाहिए कि किस तरीके से काम कर रही हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, MICR। आपने देखा होगा बैंक की चेकबुक के ऊपर MICR कोड लिखा रहता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर होता है ये। ठीक है, और मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर्स जो होते हैं उनको रीड करने का काम कौन करता है, MICR करता है। मॉडेम में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन। ठीक है, MS एक्सेस आपको पता है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। डॉस मतलब आपको पता होना चाहिए डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डॉस मतलब डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ठीक है, अगला चैप्टर हम यही लेने वाले हैं MS ऑफिस का। ठीक है, चलिए उसमें चीजें अच्छे से देखेंगे। MTNL में आपको बता चुका हूं, महानगर। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन बोल लो चाहे महानगर बोल लो, तो महानगर टेलीकॉम निगम लिमिटेड। ठीक है, NAL क्या है, NAL नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए। NIC, NIC मतलब नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ये इंपॉर्टेंट है कंप्यूटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC कंप्यूटर के अंदर इनबिल्ट होता है, लगा लगाया आता है। इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर में नेटवर्क प्रोवाइड करना, मतलब इंटरनेट के लिए इसका बेसिक इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल, इथरनेट का इस्तेमाल, इनका इस्तेमाल कंप्यूटर में इंटरनेट के लिए किया जाता है। ठीक है, कौन से कार्ड्स होते हैं ये, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड NIC। OCR में आपको बता चुका हूँ, OMR में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर बता चुका हूँ और ऑप्टिकल मार्क रीडर भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट आ जाते हैं, तो नेक्स्ट दिया हुआ है हमारे पास में OS, जिसको हम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं, छोड़ सकते हैं। PC जिसको पर्सनल कंप्यूटर बोल चुके हैं, पूरा चैप्टर कर चुके हैं। PDL प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज, ये भी एक तरह की लैंग्वेज होती है। ठीक है, क्या है ये PDL, देखो कितनी लैंग्वेज अभी तक हम पढ़ चुके हैं, हमने कोबोल पढ़ ली मतलब देख ली, हमने फोर्ट्रान देख ली, ठीक है फोर्ट्रान देख ली, ठीक है हमने PDL देख ली। ठीक है, इसके अलावा सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, जावा। ठीक है, ये सब क्या है हमारे पास में, डॉट नेट, ये सब क्या है हमारे पास में, ये सब लैंग्वेजेस हैं जिनकी हम बात करते जा रहे हैं। ठीक है, और भी अभी हमने ऊपर बहुत सारी लैंग्वेजेस के अलावा देखी थी। चलिए आगे आते हैं, PDL हो गया हमारे पास में, प्रोग्राम डिजाइन लैंग्वेज हो गया। ठीक है, उसके अलावा PL1 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज 1। ठीक है, POS ये आपको पता होना चाहिए, POS होता है पॉइंट ऑफ सेल। किस किस को ये चीज पता है, मेरे हिसाब से सबको पता होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी ने गांव गांव में जाकर के एक मशीन लगवा दी है हर दुकान में, इस तरह की, जिसमें आप जाकर के अपना क्रेडिट कार्ड डालो या डेबिट कार्ड डालो यहां से, या फिर यहां से अपना पिन डालो, आपका पेमेंट हो जाता है। तो इस मशीन को POS कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल, मतलब इस पर्टिकुलर मशीन से आप पेमेंट कर सकते हो, उसको पॉइंट ऑफ सेल कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, PROM पता ही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, अभी ऊपर भी देखा था। PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क, PSTN पब्लिक स्विच्ड टेलीकॉम नेटवर्क, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इसलिए इसको पढ़ लेना। PSTN का मतलब पब्लिक स्विच्ड टेलीफोन नेटवर्क। ठीक है, जिसमें हम स्विच कर सकते हैं इधर से उधर। ठीक है, आगे चलते हैं, अपन पब्लिक मतलब खुद, सेल्फ। रैम रोम मेरे हिसाब से बताने की आपको जरूरत नहीं है, दोनों ही आपको पता है। RPG
रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर RPG नाम से ही समझ में आ रहा होगा, जो कि प्रोग्रामिंग, जो प्रोग्राम क्या करता है, रिपोर्ट जनरेट करने का काम करता है, तो रिपोर्ट प्रोग्राम जनरेटर उसको RPG कहा जाता है। स्टैटिक रैम अभी थोड़ी देर पहले डायनेमिक देखा था, ये स्टैटिक आ गया। SCSI पोर्ट अगर आपको ध्यान हो तो मैंने आपको दो तरीके के पोर्ट पढ़ाए थे, जिसके अंदर एक में 15 थे, सॉरी एक में 9 पिन होती हैं, और दूसरा मैंने आपको पढ़ाया था 25 पिन वाला, पढ़ाया था ना, मेल फीमेल जो पोर्ट होते हैं। तो जो 25 पिन वाला होता है इसको SCSI पोर्ट कहते हैं, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। इस 25 पिन वाले को हम क्या कहते हैं, SCSI पोर्ट, मतलब स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट कहा जाता है। TCP/IP मॉडल मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका था। TCP/IP जिसका फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मतलब जो भी डेटा आप भेज रहे हो या जो भी डेटा आप तक आ रहा है, ठीक है, वो ट्रांसमिशन है, तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको कहा जाता है। वो कंट्रोलिंग का काम करता है, या फिर इंटरनेट पे जा रहा है ना सब कुछ, इसलिए इसको इंटरनेट प्रोटोकॉल भी कह देते हैं, इंटरनेट को कंट्रोल करता है। इसलिए TCP/IP क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या फिर इंटरनेट प्रोटोकॉल। TFT क्या होता है, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी। TFT कोई भी मदरबोर्ड या फिर डिवाइस के मदरबोर्ड या PCB बनाने में काम आती है। TFT मतलब थिन फिल्म ट्रांजिस्टर, एक थिन फिल्म टेक्नोलॉजी होती है। थिन फिल्म टेक्नोलॉजी क्या होती है, कई बार आपने कोई डिवाइस निकाल करके उसका PCB या मदरबोर्ड अगर देखा हो तो उस पे माउंटेड होते हैं एलिमेंट, ऐसे ऊपर ही पीछे की तरफ पे नहीं निकली रहती, ऊपर ही माउंटेड, दैट इज कॉल्ड थिन फिल्म टेक्नोलॉजी। उसी के ऊपर पेस्ट करके ट्रांजिस्टर्स को भी लगा दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, थिन फिल्म टेक्नोलॉजी कहा जाता है, जो स्पेस भी कम लेती है, ठीक है। यूट्यूब पे देखोगे समझ में आ जाएगा। यूएलएससी, अभी इससे पहले हमने एक पढ़ा था ना, ये यूएलएससी क्या है, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इससे पहले हमने क्या देखा था, केवल लार्ज स्केल, LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये क्या है, यूएलएसआई मतलब अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ठीक है। एक आएगा वेरी लार्ज स्केल, देखो ये रहा, यहां मैं पहले ही दिखा देता हूँ, VLSI मतलब वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये कुछ है, इनको याद रख लेना। UPS आपको मैं ऑलरेडी पूरा पढ़ा चुका हूं, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई बोलते हैं UPS को। URL देखो हमने फिर पढ़ लिया है, URL यूनिफॉर्म, सॉरी यूनिफॉर्म यूनिवर्सल भी इसको बोलते हैं, यूनिफॉर्म भी इसको बोलते हैं, दोनों ही बोलते हैं, ठीक है। तो यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, क्या बोलते हैं इसको, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर या यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर भी आप इसको बोल सकते हो। चलिए USB यूनिवर्सल सीरियल बस बोलते हैं इसको, यूनिवर्सल सीरियल बस, क्योंकि ये डेटा को ले जाने का काम करता है, और मैं आपको बता चुका हूं डेटा पैरेलल फॉर्म में नहीं जा सकता, इसलिए सीरियल फॉर्म में उसको भेजा जाता है, ठीक है। तो USB मतलब यूनिवर्सल सीरियल बस, URL मतलब यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। VDU भी मैंने आपको बताया था, VDU क्या होता है, वीडियो डिस्प्ले यूनिट, सॉरी विजुअल डिस्प्ले यूनिट। VDU मतलब विजुअल डिस्प्ले यूनिट, एक ऐसी यूनिट जिसमें आप विजुअल्स देख सकते हो, जैसे मॉनिटर, उसको क्या बोलेंगे, VDU विजुअल डिस्प्ले यूनिट, ठीक है। VSNL में आपको बता चुका हूं, VLSI भी मैं आपको बता चुका हूं, WAN आ गया, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, क्या बोलते हैं WAN को, वाइड एरिया नेटवर्क कहा जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, तो देखो नेक्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, WIMAX मतलब क्या होगा, वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या हुआ, ऑपरेट कर सकते हो आप, मतलब किसको, माइक्रोवेव्स को। आपको पता है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन होता है किसी भी वेव का, वो माइक्रोवेव के थ्रू, माइक्रोवेव्स होती हैं, उनके थ्रू क्यों किया जाता है, क्योंकि माइक्रोवेव्स जो होती हैं एक ऐसी वेव्स होती हैं जो कि स्पेस में भी ट्रेवल कर सकती हैं। इसलिए आपको पता है कि स्पेस स्पेस टेक्नोलॉजी में माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट लगे रहते हैं उन सैटेलाइट के लिए किसका यूज किया जाता है, माइक्रोवेव्स का यूज किया जाता है। अर्थ से आकर के वापस अर्थ पे ही डेटा जब आता है तो वो माइक्रोवेव्स का, तो इसको क्या नाम दिया है, WIMAX मतलब वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं WLL, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, वायरलेस लोकल लूप बोला जाता है इसको, बिना वायर के जो लूप बनाए जाते हैं तो WLL उन्हें कहा जाता है, वायरलेस लोकल लूप उन्हें कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट दिया हुआ है क्या हमें, वॉर्म। वॉर्म क्या होता है, वॉर्म होता है हमारे पास में राइट वंस रीड मैनी, मतलब ये जैसे CD होती है ना, CD में एक बार अगर आपने कुछ लिख दिया
और उसको सीडी रोम में चला दिया, इसका मतलब क्या हुआ हमें? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने उसको सीडी रोम में चला दिया तो आप कितनी बार भी चला लो, लिखा उस पर एक बार ही जाएगा और सीडी को कितनी बार भी आप प्ले कर लो तो उसको क्या बोलेंगे? वॉर्म बोलेंगे, राइट वंस रीड मैनी। ठीक है, एक होता है डब्ल्यू एम आर एम, राइट मैनी रीड मैनी, कितनी बार भी लिखो कितनी बार भी उसको पढ़ो। डब्ल्यू 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 मेरे हिसाब से बताने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता है। ठीक है, तो यहां तक हमने अपने जितने भी एब्रीवेशंस थे इंपॉर्टेंट पढ़ लिए। यदि आप 2 से 3 बार इस वीडियो को सुन लोगे तो आपके लिए बहुत सफिशियंट है ये। ठीक है, इसी में से आपको 1 या 2 एब्रीवेशंस देखने को मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, और आज के लिए इतना ही, एब्रीवेशंस की ये क्लास थी। ठीक है, अगर आपको ये पसंद आई हो तो प्लीज लाइक और शेयर इसे जरूर करें, और अपना साथ बनाए रखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जिन्होंने कर रखा है बहुत अच्छी बात है, वो बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और जिन्होंने नहीं किया और उन्हें लगता है कि ये हमारा चैनल आपके लिए सपोर्टिव है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ उसे सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।